दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो, हो गई अब तो बेला पिता की सखी, करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। हे सखी कोई मई के सदा ना रहा, हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा, अब तो रो ना सखी तेरा बेकार है, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। छूटे माता पिता छूटे भाई बहन, छूटी बचपन की सखियां मेरी हैं सखी, अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, दोने वाली चुनरिया उड़ा दे। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां, चूड़ी वाली ये बोली कि लो चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, चूड़िया चूड़िया चूड़िया, चूड़िया चूड़िया चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की चूड़िया, कांच की की चूड़ियों की क्या महत्वता है हमारे सनातन समाज में। कांच की चूड़ियां भी अजब चीज है, किस जुबान से कहूं ये अजब चीज है, देखने में तो शीशे की लगती है, कितनी माओं के हाथों में सजती है। कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे के सिंदूर से, कांच की चूड़ियां दिल का कमाल है, दोस्तों ये सुहागन की पहचान है, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की भैया आप सिटी बंद कर लीजिए, थोड़ा सिटी थोड़ा सा चेक कर लीजिए है ना, बाकी साउंड आपका बहुत बढ़िया आ रही है।
एक बहुत ही गरीब आदमी है और उसकी बीवी उसे कई सालों से कह रही है कि मेरे पास कोई भी सोने की जेवर नहीं है, तो मुझे कुछ सोने का कंगन ला कर दो। तो बीवी कहती है अपने शौहर से, था किसी गरीब आदमी यानी बेबस और बदनसीब आदमी, आज तनख्वाह इसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का दिन था। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, अपनी शादी को कितने बरस हो गए, कान में कच कढ़े की भी तेवर नहीं, जिस्म पर मेरे कोई भी तेवर नहीं, जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसे सोने की कंगन तुला दे मियां। कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, हाथ में मेरे जचती नहीं अब है ये कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। क्रांति झा जी ने 101 रुपए से नवाजा, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए भाई उनके लिए। जब बीवी ने कहा कई साल हो गए मेरे पास कोई सोने की जेवर नहीं है, तो उसके शौहर ने कहा, बोला शौहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता, मुझको मिलता है तनख्वाह में बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इफरादनो, अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है, माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें, कैसे बतलाऊं मैं घर की उलझन तुम्हें। जब पति ने अपने घर की हालत बताई तो बीवी क्या कहती है, बात शौहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी, वह सीने से लग करके कहने लगी, बात शौहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी। और ये मैं बता दूं कि इस नगमे को पूरे बिहार में, पूरे यूपी ने, इनफैक्ट पूरे भारत की माताओं और बहनों ने लाखों की संख्या में सुना है। तो जब पति ने अपनी हालात बताए तो उसकी बीवी रो पड़ी और कहती है, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, और मेरे सरताज सोने से कुछ कम नहीं, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की।